तो केरल के एर्नाकुलम में आई बाढ़ में फंसे राजस्थान के 15 युवकों को 4 दिन बाद रेस्क्यू कर लिया गया है और 4 दिन तक युवकों को बचाने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन से कोई नहीं आया और इस पर कंपनी के मालिक ने शनिवार को पानी का स्तर कम होते ही ट्रक की मदद से पहले कंपनी में काम करने वाले 15 युवकों को रेस्क्यू किया, फिर अपने परिवार को बचाया। रेस्क्यू करने के महज 5 घंटे बाद डैम से पानी छोड़ने पर पानी का स्तर फिर से बढ़ गया। बाढ़ से सुरक्षित निकलने के बाद युवक कैंप में ठहरे हुए हैं और यहां से उन्हें हवाई मार्ग के जरिए राजस्थान लाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और एक कंपनी के मालिक ने एक बहुत बड़ी मिसाल इन सब के बीच में पेश की है, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से प्रशासनिक अनदेखी की वजह से 15 युवक फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर कम होता है कंपनी का मालिक सबसे पहले इन युवकों को बाहर निकालता है और उसके बाद अपने परिवार को बचाता है। लेकिन बड़ी राहत मिली है उन युवकों के परिजनों को जो अब रेस्क्यू कर लिए गए हैं। और ये देखिए किस तरह से दिल दहला देने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से मलबे के साथ नीचे चली जाती है खाई में। और लेकिन अगर जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बड़ी राहत जोधपुर के लोगों को मिली है, अब क्या कुछ लोगों का कहना है और खास तौर पर ये जो 15 युवक एर्नाकुलम में फंसे हुए थे इनके रेस्क्यू के बाद इनके परिजन क्या कहते हैं? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जो काम है कंपनी के मालिक ने किया, पहले अपने परिवार को नहीं बचाया बल्कि पहले उन युवकों को बचाया और उसके बाद फिर परिवार को बचाया। कुल मिलाकर कि जोधपुर के लोगों को थोड़ी इस बात की राहत है क्योंकि इन युवकों को बचाने के साथ साथ में करीब 286 लोगों को बचाया गया, उसमें जोधपुर के काफी लोग हैं। और ये भी सुकून वाली बात है कि जोधपुर कोणार्क कॉर्प्स की जो 5 टास्क फोर्स है वो इसके अंदर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। जो रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोबित घोष है उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो 5 कंपनियां जोधपुर से गई है वो लगातार वहां पर कोशिश कर रही है, वहां हेलीकॉप्टर्स काम भी लिए जा रहे हैं और लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, राहत कैंप पर पहुंचाया जा रहा है और बाद में उनको पहचान के आधार पर उनके परिवार तक पहुंचाने का भी कामकाज शुरू हो गया। मगर कहीं वापस बारिश की चेतावनी ने वहां के लोगों को परेशान कर दिया क्योंकि काफी लोग फंस रहे हैं, जो कई 50 लोग उसके अंदर शामिल है। शीतल नाम की लड़की शामिल है जिसकी शादी होनी है, शॉपिंग के लिए वहां जाने वाले, फिर केरल पहुंची है, केरल से पहले ही वो एक स्टेशन पर उनको रहना पड़ गया। तो लोगों की थोड़ी सांसें तो अटकी हुई मगर हाँ ये राहत की बात है कि कुछ लोगों को निकाल लिया गया और बाकी को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये लोग अपनों के बीच भी पहुंच जाएंगे।